नमः मूकं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दवाद अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो भारतीय कालगणना शब्द है, भारतीय शब्द कहते ही हमारी सनातन परंपरा जो कल्पादि से प्रारंभ होकर कल्पांत तक और पुनः क्रम से चलती रहती है, ऐसी कालगणना का एक प्रतिबिंब उभर कर सामने आता है। यह हमारे लिए गौरवास्पद है। आज की दृष्टि से हम कहें तो यह एक जो नए विषयों के विद्यार्थी और आचार्य जुड़े हैं उनके लिए एक वैल्यू एडेड कोर्स की तरह कार्य करेगा कि वह अपनी इस गुणवत्ता को, वैल्यू को, भारतीयता के इस वैल्यू को समझने का, उनको जानने का एक अवसर उनके लिए उपस्थित हुआ है। हम मानते हैं यह कालगणना अध्ययन का ही विषय नहीं है। यह कालगणना प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग है। यही कारण है कि हम उत्सव प्रिय देश के वासी हैं और प्रतिदिन उत्सव व्रत परवादि करते ही ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्री विष्णु पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत वनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत वर्षे वरतखंडे आर्यावर्तांतर ब्रह्मा वर्तैक देशे बौद्धावतारे नाम यथा संवत्सरे उत्तरायणे दक्षिणायणे अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक रास से सूर्ये अमुक रास से चंद्र भौम गुरु शुभ योगे शुभ करणे शुभ पुण्य तिथौ पूर्वाह्ने अपराह्ने मध्याह्ने घटे पल सकल शास्त्र सूत्र स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्नः शर्माहं देव पूजनम करिष्यामि अमुक कर्मणम करिष्यामि ऐसा संकल्प लेते हैं। यही संकल्प हमारी इस काल गणना का एक अजस्र धारा के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि यह जो संकल्प मंत्र है, सूत्र है, यह हमारी भारतीय कालगणना का सार्वभौमिक पंचांग है। आधुनिक भाषा में इसे हम कैलेंडर कह सकते हैं। इसमें सृष्टि के प्रारंभ से आज तक के समय का क्रमबद्ध गणनात्मक, जिसको हम हिसाब कह सकते हैं, प्रतिदिन हम उच्चारित करते हैं। संध्या वंदना दिवे तो प्रतिदिन करते हैं। इसमें केवल काल की गणना नहीं, त्रिप्रश्न दिक देश और काल, अर्थात इसमें देश काल और पात्र, इनकी सुव्यवस्थित गणना की परंपरा है। किसी भी काल में, किसी भी स्थान में वह अपनी पहचान नहीं खो सकता, क्योंकि हम इसे नित्य करते चले आ रहे हैं। और यह पुराण पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु की आज्ञा से जिस प्रकार कहते हैं कि ब्रह्मा की जो सृष्टि का प्रवर्तन हुआ उसमें ब्रह्मा का एक दिन, अभी हम कहते हैं ना उसमें द्वितीय परार्धे, उनके भी दिन की गणना करते हैं। मनुष्य के दिन की गणना तो करते ही, आगे आने वाले पाठ्यक्रम में आप समझेंगे कि इसमें कल्प क्या है, मनमंत्र क्या है, मनो क्या है, काल की कितनी विधाएं हमारी परंपरा में विहित है। वास्तव में यह ब्रह्मांड को और मनुष्य का संबंध तादात्म स्थापित करने की एक महान परंपरा है। और यह इतना सूक्ष्म है कि भारतीय मनीषा द्वारा जो निर्धारित कालगणना का क्रम है, यह वर्तमान की केवल जो ख्रिस्टीय कालगणना है, जिसका इतिहास मात्र लगभग 2000 वर्ष पुराना है, जब उस पर इतना गर्व किया जा सकता है, यह तो भारतीय कहते ही करोड़ों वर्षों की परंपरा समाहित हो जाती है। जहां हम इस
अविच्छिन्न गौरवशाली परंपरा का उल्लेख कर रहा हूं, वहीं इसे वर्तमान में वैज्ञानिक रीति से और वैधानिक रीति से प्रामाणिकता से पात्र स्थल और तिथि का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। भारतीय कालगणना के इतिहास में भारतीय धार्मिक कृत्य अर्थात जिसे हम कह सकते हैं नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, अर्थात जीवन का कोई भी ऐसा विधान नहीं है जो इस काल क्रम के और बिना संघ के पूर्ण होता हो। ऐसी अणोरणीयान महत्वहीयान के मूल सूत्र के आधार पर नित्य गतिशील होने वाला यह जो कार्यक्रम है, यह जो कालगणना है, इसमें भूगोल एवं व्यक्ति के केवल व्यक्ति का ही नहीं उसके कुल गोत्र आदि समस्त का उल्लेख करते हुए एक क्रमबद्ध ढंग से प्रयोग प्रत्येक भारतीय नागरिक अनादिकाल से करता चला आ रहा है। इस के आधार पर सृष्टि की पुराणायु, सृष्टि संबंध अर्थात पृथ्वी पर जो सृष्टि का काल एवं मनुष्योत्पत्ति का काल है उसकी सम्यक रूप से गणना की जा सकती है। भारतीय कालगणना का जो आधार है वह केवल धार्मिक ही नहीं है, वह वैज्ञानिक भी है और पूर्णतः चूंकि विज्ञान का आधार गणित है यह पूर्णतः गणितीय है और यह नैसर्गिक आकाश के मानचित्र ब्रह्मांड के इस क्रमबद्धता गतिशीलता पर आधारित है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की आयु की भी गणना इसी संकल्प में की जाती है। यानी मनुष्यों के समानी जो ब्रह्मा है उसकी आयु भी 100 वर्ष मानी गई, मनुस्मृति में इसका उल्लेख भी आता है। ऐसे युगों की गणना 1000 महायुगों के बाद कल्प की गणना, क्योंकि एक युग को यदि 100 वर्षों के रूप में देखें तो 43,20,000 वर्ष 100 वर्ष एक महायुग, ऐसे 1000 महायुगों को एक ब्रह्मा का दिन बनाया गया। सर्वरी तस्य तावती उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि कही गई। जो नए छात्र हैं उनके लिए कुछ तकनीकी शब्द नवीन लगेंगे, हम उन्हीं तकनीकी शब्दों के पक्षों पर पूरे 30 दिन आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि यह सृष्टि एवं लय की एक जो चक्रीय गति है जो अनादिकाल से चल रही है और यह हमारे वैदिक ऋषियों और मनीषियों के अनादिकाल की तपश्चर्या और दिव्य दृष्टि का परिणाम है कि हम इतने प्रकार के कालगणना को एक साथ एक समन्वय के साथ कैलकुलेट कर पाते हैं। मैं मानता हूं सृष्टि के आरंभ से हम कहते हैं तो कई ग्रंथ सृष्टि के क्रम को भी बताते हैं। किलंका नगरिया उदयाच्य भानो तस्य वारे प्रथमं बभूव पदो सितादे दिन मास वर्ष युगादिका नाम युगवत् प्रवृत्ति ही। वहां से समस्त काल की गणना प्रारंभ हुई, चाहे वो नवविध काल में कोई भी काल गणना हो। इसी तरह संबत की काल गणना सृष्टि की उत्पत्ति से विष्णु की आज्ञा से जब ब्रह्मा ने इस कार्य को किया और प्राकृतिक घात संघात के कारण जिसको आज हम कह सकते हैं कि वह सृष्टि द्वयाणु त्रयाणु के रूप में विकसित होती चली गई, तो ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि का प्रारंभ हुआ। वहीं से दिन मास वर्ष युग घटी इत्यादि सभी की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके और भी कई पक्ष हैं, इससे हम मनुष्य के उत्पत्ति काल की भी चिंतन कर सकते हैं, चाहे वो धार्मिक मान्यता के रूप में या वैज्ञानिक मनुष्य उत्पत्ति काल के रूप में या वैदिक रूप में। यदि हम इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि यदि वैदिक रीति से देखें तो अभी हमने वैवस्वत मनु कहा, यदि इसी मनु को ही लें तो लगभग 12,05,33,100 वर्ष से ज्यादा काल हो गए। यह कालगणना केवल भारतीय कालगणना में होगा। यदि इसको हम ट्रांसलेट करके इंडियन कैलकुलेशन कह दें तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का इतिहास तो मात्र 2000 वर्षों का है,
लेकिन जब भारतवर्ष कहते हैं तो इसका इतिहास करोड़ों वर्षों का है। अभी हम जिस सत संवत्सर विक्रम संवत्सर का प्रयोग करते हैं, हम कलयुग आदि की भी गणना करते हैं। यह संपूर्ण जो भानोर दिन मास वर्ष कल्पाः सृष्ट्यौ सृष्ट्यादौ दोलकाया समं प्रवृत्ता दिने अर्कस्य। अगर सिद्धांत के इसी प्रमाण से यदि हम यूरोप के वैज्ञानिक के वेली ने इस घटना का परीक्षण किया और उन्होंने कहा कि कलयुग का प्रारंभ 3102 वर्ष पूर्व, अगर जब हम कहते हैं कि एक स्थान पे सभी ग्रह आ गए तो उन्होंने कहा कि लगभग 3102 वर्ष पूर्व ईस्वी से 20 फरवरी में एक समय बताया कि उस समय सारे ग्रह एक राशि एक नक्षत्र आदि में आ गए थे। और ये हमारे ऋषियों ने मनुष्यों ने इसका वर्णन किया है कालगणना के आधार पर। महाभारत में भी इसकी चर्चा आती है कि जब तृष्य नक्षत्र सूर्य चंद्र तृष्य नक्षत्र में आते हैं, महाभारत में बृहस्पति एक राशि में आ जाते हैं, तब कृतयुग लगता है, अर्थात कलयुग आरंभ में वही समझना चाहिए। ऐसे बहुत से विषय हैं जो हमारी काल गणना से जुड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि आज सृष्टि से लेकर संकल्प तक ये जो लगभग जो हमारी सृष्टि का प्रारंभ, अभी हमने केवल वैवस्वत मनु के 12 करोड़ की बात कही, यदि सृष्टि के आरंभ से हम इसे लेते हैं तो हम कह सकते हैं लगभग 1,97,29,40,000 से ज्यादा सौर वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। और यह ईसा का जो अभी वर्तमान पंचांग चलता है वह मात्र 2000 वर्षों का एक संकल्पना, इससे लाखों गुना व्यापक है। तो क्यों ना हम भारतीय परंपरा की इस गणना को सभी छात्र वृंदों में, सभी विद्यानुरागियों में हम इसे प्रचारित और प्रसारित करें। और इसमें शोध की आवश्यकता है कि यह काल गणना पूर्णतः नैसर्गिक है, जिसमें कभी भी कोई एक दूसरे में असामंजस्य नहीं होता। और इतना ही नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, जिस परिप्रेक्ष्य में इस कालगणना के कार्यक्रम को हम लेके जाएंगे, यह ज्योतिर्गणित जैव लयबद्धता का भी प्रतीक है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे अंदर भी एक बायोलॉजिकल टाइमिंग्स है और यह हमारे शरीर में सतत चलने वाली जो नाड़ी की गति है, काल है, उसका जो कंटिन्यूएशन है, एक लयबद्धता है, उसकी नैसर्गिक ध्वनि को, क्योंकि जब आप त्रुटि इत्यादि की कल्पना करें तो आप प्राण शब्द भी आएगा, इसका संबंध ध्वनि काल और निश्चित श्वास प्रश्वास का जो काल है उसका संबंध पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के चक्रीय गति से जोड़ने का एक अनूठा सिद्धांत है। यह अद्भुत प्रयास है, यह केवल भारतवर्ष के ऋषियों में ही प्राप्त है। इन सब जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर हम 30 दिन चर्चा करेंगे, परंतु हम मास की चर्चा, प्राणियों के जैसा हमने कहा उनके स्पंदन की चर्चा, ब्रह्मांड के स्पंदन की चर्चा, उनको आपस में जोड़ने के, और मानवीय हृदय के स्पंदन को ब्रह्मांड के हृदय के स्पंदन से जो हम जोड़ते हैं, सारे शास्त्रों का मूल यही है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसी मूल को देखते हुए यह कार्यशाला, मुझे लगता है कि जितने जिज्ञासु हैं उनकी अनंत जिज्ञासाओं को कुछ हद तक उनकी जिज्ञासा और बढ़ाने में कार्य करेगा और उनकी एक अभिरुचि उत्पन्न करेगा। मैं यदि संक्षेप में कहूं तो मैं उस भारतीय मनुष्यों की प्रज्ञा और तपस्या के प्रति श्रद्धावनत, जन्म जन्मांतर तक उनके प्रति कृतज्ञता अभिभूत हूं कि यह जितना ही अध्ययन अनुसंधान का विषय है उतना ही गंभीर और व्यापक भी है। इस दृष्टि से काल विभाजन के अनेक गणनाओं के आधार को हम इस मास व्यापी ज्ञान यज्ञ में चर्चा करेंगे और उस काल ब्रह्म को
जिसको कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा यह मैं ही काल हूं, उसको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की दृष्टि से, इस ब्रह्मांडीय नर्तन को समझने की दृष्टि से, भगवान शिव के उस जब नर्तन से चतुर्दश ध्वनि निकले उनका भी संबंध हमारे कालगणना से है। तो ऐसी एकीकृत गतिशील ब्रह्मांड के संपूर्ण साकार स्वरूप को जानना है तो भारतीय कालगणना मनुष्यों के दी हुई दिव्य दृष्टि को जानना आवश्यक है, क्योंकि यह ब्रह्मांड सर्वदा गतिशील, सजीव, वर्धमान और परिवर्तनशील है, और ये सभी बिना गणित के, बिना गणना के और बिना काल के संभव नहीं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का एक नाम काल शास्त्र, गणित शास्त्र ऐसे पर्याय दिए गए, और यह उस दिक देश काल के संदर्भ में जैसा मैंने संकल्प में पहले कहा उसी को आधार बना करके आगे चलता है। भगवान श्री कृष्ण के उस वाक्य को स्मरण करते हुए मैं अपनी पृष्ठभूमि समाप्त करूंगा कि आपको इसमें कुछ बिंदु मिल गए होंगे जो आप 30 दिनों तक हमारे साथ चर्चा करेंगे कि अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धातो अहम विश्वतो मुखः, काल का ही मैं महाकाल रूप में धारण करता हूं, ऐसे परब्रह्म को जानने के लिए कालगणना को जानना अति आवश्यक है। अब आज के इस कार्यक्रम में मुझे प्रास्ताविक कहने का अवसर मिला और आपके सम्मुख इसकी गौरवमयी क्षण क्या है, इस गौरवमयी बिंदु क्या है, ये दो चार बिंदु हमने आपके सामने रखा, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है इस पर अनवरत अनंत काल तक चर्चा करने पर भी नए नए रहस्य उद्घाटित होते हैं जो हमारे ऋषियों ने हम पर कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से उपस्थित कराया है। उनमें से कुछ कण आप सभी के सम्मुख इस कार्यशाला में प्रयुक्त होगा।